जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक नंबर जो है 8 स्टैटिस्टिक्स एमटीएच 100 का। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं, सबसे पहले हम इसकी डिफाइन को देखते हैं। तो मेथड ऑफ कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। इसमें डाटा को कलेक्ट करने के जितने भी मेथड हैं वो आ जाते हैं, फिर उसको किस तरह से मैनेज करना, उसमें से न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को किस तरह से कैलकुलेट करना, ये तमाम तर चीज़ें हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में आ जाती हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो है उसके पीसेस जो हैं, ये हमारे पास डेटा होता है, ये आप इसकी डिफाइन भी देख सकते हैं। और इन ऑर्डर टू कलेक्ट, जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं तो ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, और यह प्रॉपर्टी हमारे पास वेरिएबल कहलाती हैं, जिसे हम चेंज कर सकते हैं कि इसमें किस चीज़ की कमी है। जो हमने डेटा लिया है वो सारे का सारा जो हमने कलेक्ट किया होता है वो फ़िलहाल जो है वो जब हम उसे ऑर्डर में दे रहे होते हैं तो वो वेरिएबल कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास शॉर्ट के लिए ये है कि क्वालिटेटिव डेटा क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होते हैं। तो ऐसे वेरिएबल जो हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल कहलाते हैं कि इफ़ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इट मेक अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, कि उनके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, सिर्फ वो क्वालिटेटिव होते हैं, यानी कि जिसमें हम सिर्फ तहकीक कर सकते हैं। और वो वेरिएबल जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो हैं एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू को लेते हैं, वो हमारे पास क्वांटिटेटिव कहलाती हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव वेरिएबल में जो है हम क्या करते हैं, जिसमें हम रेंज को कंटिन्यूसली जो है वो डिस्क्राइब करते होते हैं। तो द क्वांटिटी वेरिएबल विच आर क्लियर स्टेप बिटवीन इट्स पॉसिबल वैल्यू, क्या कह रहा हूँ मैं कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल में जिसमें हम स्टेप्स को क्लियर करें बिटवीन द पॉसिबल वैल्यू, जो हमें वैल्यूज़ गिवन है उन्हीं वैल्यूज़ के मुताबिक जब हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल को जो है वो क्लियर करें उन स्टेप्स को, तो वो हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाएंगे, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी जो है स्टैटिस्टिक्स की जो है ना वो हमारे पास टाइप होती है। तो आइए हम ज़रा इसको देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव जो है ना स्टैटिस्टिक्स ये क्या होती हैं। तो ये हमारे पास एक मेथड होता है, ठीक है, जिसमें हम चीज़ को बता रहे होते हैं, उसकी समरी निकाल के बता रहे होते हैं, ठीक है। कंप्रेसिस थ्रू मेथड कंसर्न्ड विद कलेक्शन एंड डिस्क्राइबिंग द डाटा सेट डाटा सो यील्ड द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन की स्टोरी होती है जिसमें हम तमाम तरह डाटा जो हमने कलेक्ट किया होता है हम उसके बारे में एक अहम मालूमात दे रहे होते हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल दे देता हूँ। नीचे आपने जो देख रहे हैं आपको टेबल नज़र आ रहा होगा जिसमें उसने समरी निकाली हुई है कि जो एक पोल गेम है क्रिकेट की 2011 में वर्ल्ड कप की, तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे बनाई हुई है। इसमें दो टीमें हैं, ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। तो इसमें ये देखें आपके पास न्यूमेरिकल डेटा से हम कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को किस तरह से बताएंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान का, श्रीलंका का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, कनाडा, केन्या, ये आपके पास ग्रुप ए में जो टीमें शामिल हैं, इन्होंने 6-6 मैच खेले हुए हैं। पाकिस्तान ने 5 जीते हैं, श्रीलंका ने 4 जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 4 जीते हैं, तो एक एक इन लोगों ने हारा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान को जो है वो चूँकि 5 मैच जीते हैं तो 10 पॉइंट मिले हैं, जिन्होंने 4-4 जीते हैं उनको 9-9 पॉइंट मिलने थे, तो जो है एक उस जो है वो बारिश की वजह से जो मिले हुआ पॉइंट उनको वो मिल रहा है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि पॉइंट पाकिस्तान के पास 10 है, लेकिन जो नेट रन रेट है ना वो पाकिस्तान की कम है श्रीलंका से, जिसे उसने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से। तो यहाँ से हम जो है मुकम्मल तौर पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी ग्राफिकल फॉर्म से कि ये वैल्यूज़ किस तरह से बताई जा रही हैं, ठीक है ना। इसी तरह ग्रुप बी पे भी हम देख सकते हैं कि जो रन रेट जो है वो पहले वाले की अच्छी हैं दूसरे से, लेकिन जो नीचे वालों के रन रेट जो है वो जो नंबर 2 पे आ रही है
उनसे कहीं अच्छी भी है। तो यह हर चीज़ जो है अलग अलग से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है कि इसके पीछे क्या दलाइल है। तो हम इसको ग्राफिकली फॉर्म में जो है इस तरह जो हम इसको बता रहे हैं, इसके समरीज को हम बता रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है समराइज डेटा जो है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने इसको लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट जो है आपके पास इसकी जो दूसरी टाइप जो है वो हमारे पास जो है इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है। तो इसमें हमने ये कौन सा मेथड होता है, इसमें हम जो है एनालिसिस ऑफ अ सबसेट ऑफ अ डेटा लीडिंग टू अ प्रिडिक्शन ऑफ इन्फ्रेंसेज अबाउट द इंटायर डेटा सेट। देखें ये आपके पास कुछ इस तरह से होती हैं कि इसमें आपने मुकम्मल तौर पे डेटा जो है, जो कितना भी दुरानिया क्यों ना हो, वो चाहे 10 साल हो, 1000 साल हो, आपने जो भी इंटरवल दे दिया उसमें मौजूद तमाम तर इन्फॉर्मेशन को आपने यहाँ पे लिखना है। मतलब कि हम यहाँ पे कह सकते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल में उसने लिखा हुआ है कि सपोज वी कॉल डेटा फॉर अ 30 ईयर रिकॉर्डिंग अ एवरेज रेनफॉल इन दिस मंथ ऑफ जुलाई इन लाहौर एंड अमाउंट कम टू बी अ 3.3 जो है सेंटीमीटर। तो वी मेक द इन्फ्रेंस दैट द नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई वी कैन एक्सपेक्ट दैट बिटवीन 3.2 and 3.4 सेंटीमीटर ऑफ अ रेन। जी तो एग्जांपल में आपने देखा होगा कि उसने कहा है कि अगर हम 30 साल की एवरेज निकालें, तो देखें इसमें क्या हो रहा है, आप बात जिसकी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं 30 साल से। तो इसमें हमने इंटायर डेटा को देखना होता है, एवरेज तब भी निकलती है ना जब हम ओवरऑल चीज़ को देखेंगे। लेकिन ऊपर वाले में हमारे पास क्या था, एवरेज नहीं थी, वो जस्ट हम जो है वो ये देख रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वेयर कैन स्टैटिस्टिक्स कंट्रीब्यूट, तो इसके जो हैं वो कहाँ कहाँ पे जो है वो इसने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी शिरकत जो है सबसे पहले हम देखते हैं बिज़नेस एंड इंडस्ट्री में। तो बिज़नेस में अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी मटेरियल है उसमें इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, ये भी इसकी पार्ट है, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस, तो ये क्वालिटेटिव में आ जाती हैं दोनों। मार्केटिंग में अगर हम देखें तो सैंपल का सर्वे करना, डिटरमिनेंट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, ठीक है, फिर एस्टिमेट एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस का, ये तमाम तरह चीज़ें आपके पास क्वालिटेटिव स्टैटिक्स में आ रही हैं, ठीक है। तो मेक द इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो मेक कंसिस्ट प्रोडक्ट है। बैंकिंग की अगर हम बात करें तो एस्टिमेट द रिस्क ऑफ अ कंपनी डिफॉल्टिंग द लोन, ठीक है। तो डिफॉल्टिंग लोन जो है ये बैंकिंग में भी जो है ये बैंकिंग के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है आपके पास, ये क्वांटिटेटिव मोस्टली होता है। तो इसके अलावा अगर हम इसका दूसरा देखें बिजनेस के बाद देखें तो हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ में जो है वो काफ़ी सारे पार्ट आ जाते हैं। एपिडेमियोलॉजी आ जाती है जिसमें हम कैंसर में उसके रेट, उसके शरा बढ़ने की कितनी है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम इसके फैक्टर वेरियस डिसीज, मतलब कि जो भी बीमारियां होंगी उसमें मौजूद रेट कितने गुना वो बढ़ रही है या कम हो रही है, तो ये सारी हमारे पास क्वांटिटेटिव जो है स्टैटिस्टिक्स में चली जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो पब्लिक हेल्थ की अगर हम बात करें तो डिज़ाइन द कम्युनिटी इफेक्ट आ जाता है, एजुकेशन प्रोग्राम आ जाते हैं कि एनवायरनमेंट में किस तरह से जो है वो बताया गया है, तो ये आपके पास क्वालिटेटिव आ जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास फार्माकोलॉजी आ जाती है जिसमें हम ड्रग की डिस्कवरी, उसके बनाने की तरतीब वगैरह, ठीक है, ये सारा कुछ क्वालिटेटिव में चला जाता है। उसके रिज़ल्ट को हम देखेंगे तो उसके अलावा हमारे पास जो है जेनेटिक्स आ जाते हैं, ठीक है, ये भी आपके पास क्या है हेल्थ में चले जाते हैं ये सारी चीज़ें। फिर अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज में देखें तो एग्रीकल्चर जो है वो सबसे पहले टॉप में आ जाता है। तो एग्रीकल्चर में हमारे पास फसलों जितनी भी हैं उसमें मैनेजमेंट का डिफरेंस, ठीक है, फिर उसमें जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह खादें जिसे हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इनकी जो है तमाम तर चीज़ों की एवरेज, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव जो हैं स्टैटिस्टिक्स में आ जाती हैं, ठीक है। आप जितने भी यहाँ पे देखेंगे तो ठीक है, आपने जो है वो इकोलॉजी देखा हुआ है, स्टडी ऑफ चेंज द लोकल एंड ग्लोबल क्लेम, ये आबो हवा से मुतलक जितनी भी चीज़ें हैं उसमें चेंजिंग का रेट, ये सारा स्टेट हमें बताती है। मैथ की ही ये शाख है यहाँ पर। तो जियोग्राफी की अगर हम बात करें, ज़मीन की पैमाइश में जो है तमाम तर चीज़ों का अहम हाथ होता है इनका क्वांटिटेटिव डेटा के हिसाब से,
इसमें हम जो है एवेल्यूएट करते हैं, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है एवेल्यूएट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वन एक्सपेक्ट फॉर द एरिया बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड जो है ये देखें, यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि समुंदर से जो भी बखरात वगैरह के आते हैं ना पानी बन के जो बारिश के लिए, तो वो कहाँ कहाँ पे किस वक्त आब हवा का क्या असर है, ये सारा कुछ हमें स्टैट से ही ग्राफिकली फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम नेचुरल रिसोर्स से बाहर निकलें, तो अगर हम सोशल और नेचुरल साइंस की बात करें, तो फिज़िक्स जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है इस चीज़ में। तो इसमें हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट व्हेन द इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द कॉस्मिक रेज, तो कॉस्मिक रेज जो हैं या रेडिएशन होती हैं ख़तरनाक किस्म की, तो फिज़िक्स में जो है इसका अहम रोल है। यहाँ पे हम इसकी ग्राफिकली फॉर्म से क्वालिटेटिवली इसको बताया जाता है, ठीक है। इसके अलावा केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो जितने भी रिएक्शन होते हैं या मालिक्यूल होते हैं जिसकी शेप होती है, तमाम तर चीज़ों को हम क्वान्टिटेटिवली तौर पर बताते हैं। मास स्पेक्ट्रल डेटा इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अलावा बायोलॉजी में अगर हम देखें तो जितनी भी चीज़ें बिग सेटर अंडरस्टैंड वाई इंसेक्ट क्लस्टर, ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ों की बायोलॉजी चूँकि जानदारों के लिए होती है, तो यहाँ पे हम जितनी भी चीज़ें हैं जिसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो आपके पास छोटे छोटे हशरात वगैरह होते हैं जिसे हम बोलते हैं, उनमें जीन्स की आइडेंटिफिकेशन को कह सकते हैं, उसमें बीमारियों को कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके अलावा जो है सोशियोलॉजी को बात करें, तो हम इसमें ये हमारे पास आम आंगी के लिए बोला जाता है, जिसमें मेजर वार इन नेक्स्ट 5 ईयर के आने वाले दलाइल बताने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस जो हैं वो मतलब कि इस तरह मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं। आप कह सकते हैं कि दलाइल देना कि ये रीज़न हो रही है, इससे ये होगा, तो ये क्वालिटेटिव डेटा जो हैं इसमें आ जाते हैं आपके पास के क्रिमिनल जो हैं जितने भी हैं वो सारे के सारे उनका बिहेवियर माहौल पे किस तरह से है, उसके खसूसियात जो हैं, तो ये ग्राफिकली फॉर्म जो है इनकी भी जो हैं स्टैटिस्टिक्स से जो है वो बताई जाती है कि इनकी रेट शर्रा कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, उसके इफ़ेक्टिव क्या हैं। साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें भी हम जो है कुछ इस तरह की चीज़ों को बताया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास काफ़ी शौकें हैं इसके, हमारे पास जो है नेक्स्ट जूलॉजी भी आ जाती है, ठीक है। तो एजुकेशन में अगर हम बात करें तो एजुकेशन में डिवेलप द इफेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग का बढ़ाने का स्टाइल किस तरह का है, ठीक है, कि उसकी रिसर्च कितनी है, ठीक है, इसके अलावा जो है उसका आउटपुट कितना है, ठीक है, वो कितना आउटपुट ले, फीडबैक में किस तरह से जो है वो आ रहा है, इसके अलावा फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग के, ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट कितना है, स्टूडेंट कितना अचीव करता है, तो स्टूडेंट की जो है जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उसमें प्रोग्राम में तब्दीली जो है कितनी दरकार है, उसकी फील्ड में उसका ग्राफ देखा जाता है क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट मीडिया की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के बारे में तो इसमें तो काफ़ी सारे आ जाएंगे हमारे पास, तो इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइप आएंगी चूँकि ये काफ़ी मेजर जो हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एजेंसीज की बात करें, तो एजेंसियाँ क्या करती हैं, किसी भी चीज़ के बारे में एक सैम्पल देती हैं, एस्टिमेट करती हैं कि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, ठीक है, वहाँ से सीटें वगैरह भी निकलती हैं जिसे हम बोलते हैं, तो इकॉनमी का रेट वहाँ से देखा जाता है, ठीक है, मुल्क में पॉपुलेशन के बारे में देखा जाता है, ड्रग्स के इस्तेमाल के बारे में देखा जाता है। फिर जर्नलिज्म की बात करें अगर, तो ऑडियंस की कम्युनिकेशंस जो है, इसके अलावा जो है एजुकेशन पे इसका इफ़ेक्ट, ठीक है, और एक्सपर्ट विटनेस वगैरह जो हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास जो हैं स्टैटिस्टिक्स में आ जाती हैं, इसे आपने खुद रीड कर लेना ज़रा अच्छे से। तो नेक्स्ट जो है हम पॉपुलेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन जो है ऑल पॉसिबल मेंबर का सेट होता है ग्रुप के अंदर, जिसे हम कह सकते हैं कि ऑल चीज़ें जितने भी स्टॉक करते हैं किसी भी ताजर वगैरह में, तो वो तमाम तर जो है उसका पॉपुलेशन आ जाता है। तो सैंपल की अगर हम बात करें तो वो तमाम तर चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ को हम एज अ सबसेट के तौर पे उसमें से चेक कर लें तो वो उसका सैंपल होता है, ठीक है, जिसे हम जो है पॉपुलेशन को हम जो है उसकी खसूसियात में अगर हम देखें तो पॉपुलेशन जो है तमाम तर सैंपल जो होता है वो तमाम तर पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है कि ये चीज़ किस तरह की है। तो नेक्स्ट हम जो है ये उसके सैंपल के स्टैटिस्टिक्स भी हैं,
ठीक है, कि उसकी खसूसियात पर मबनी जो है डाटा। तो इसमें हम जो है ना उसमें देखते हैं कि मैथमेटिकली मेजरमेंट स्केल जो है वो क्या होते हैं। ये आपके शॉर्ट क्लास से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा। नॉमिनल स्केल क्या होते हैं, ऑर्डिनल स्केल क्या होते हैं, और इंटरवल स्केल क्या होते हैं, और रेशो स्केल क्या होते हैं। ये तीनों आपके पास चारों जो हैं वो शॉर्ट क्लास से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑब्जर्वेशन में अगर हम बात करें तो क्लासिफाइड जो है डेटा होते हैं जिसमें किसी किस्म का कोई ऑर्डर नहीं होता। मतलब आपने पास जो आपके पास जो एक डेटा है तो उसमें तमाम तर चीज़ें जो हैं अगर शामिल हों, तो मतलब कि उसमें कोई ऑर्डर ना हो, उसमें मतलब कि आपके पास इस तरह का डाटा है कि जैसा कि उसने एग्जांपल में लिखा हुआ है कि रिलीजन्स की बात आ जाती है, रेस की बात आ जाती है, जेंडर आ जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें नॉमिनल स्केल में आ जाती हैं कि आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है, कोई एक तरतीब नहीं है इनकी। आपने जो डाटा इकट्ठा किया हुआ है उसमें कोई ऑर्डर ही नहीं है, ठीक है। तो ये डाटा आपके पास नॉमिनल स्केल में चला जाता है। ऑर्डिनल स्केल भी हमारे पास इस तरह से आता है कि जो भी आपने ऑब्जर्वेशन इकट्ठी की होती है उनको एक सेपरेट कैटेगरी में लिखा जाता होता है, ठीक है। जैसा कि अगर हम इसकी मिसाल दें कि आपके पास एक नंबर है तो आप क्या कर रहे हैं, 0 1 2 3, आपने क्या किया, उनको एक ऑर्डर में लिख दिए। आपने जो आपके पास डेटा गिवन था उसकी क्या कर दिए, एक तरतीब बना दी है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑर्डिनल स्केल में आ जाता है। इंटरवल स्केल में आपके पास इस तरह से आ जाता है कि आपके पास द स्केल जो है वो प्रोवाइड द रैंकिंग एंड एश्योरेंस जो है दैट डिफरेंस बिटवीन स्केल वैल्यू आर इक्वल। देखें इंटरवल नाम से ही जाहिर है, तो ये कुछ इस तरह की रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, रैंकिंग में हमारे पास कुछ इस तरह से आता है कि आप जो हैं इस्तेमाल करेंगे किसी ऐसी चीज़ को जिसमें इंटरवल आ जाए। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक टेम्परेचर की बात करूं तो हम देखते हैं कि सारा दिन में टेम्परेचर जो है वो 27 से लेके टेम्परेचर आपका 34 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आपने इतनी डेट से लेके इतनी डेट तक ये कोर्स कवर करना है, तो ये आपका एक इंटरवल आ चुका है। तो लास्ट में आपके पास जो है वो रेशो स्केल आता है। रेशो स्केल जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में जो है वो कंपेयरिंग से रिलेटेड आ जाती है, मतलब कि आपने किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल जो मेजरमेंट जो होती है इसमें हम जो क्या करते हैं, ये हमारे पास इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन स्केल वैल्यू, कि कोई भी आपको वैल्यू है उनमें डिफरेंस देखना है। आपने डिफरेंस कैसे देखेंगे, आप उसका कंपेयर करके देखेंगे। तो मतलब हाइट हो जाता है, ठीक है, वेट हो जाती है, एज हो जाती है, ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हम जिसको हम कंपेयर कर लें अदर दूसरों से, तो वो हमारे पास जो है वो रेशो स्केल टेस्ट के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अभी एक ही लेक्चर जो है वो काफ़ी है यहाँ पे।